Divin, how are you all? I hope you all are fine and enjoying a lot in your homes. As you all know me, I am Niharika from Grades Improvement City. और आज हम Grades Improvement City में क्या बात करने वाले हैं? हम हमारे Class 11 Chapter 1 Chemistry का जो chapter है आपका 1 Some Basic Concepts of Chemistry इसके notes के Part 4 के बारे में बात करेंगे. So let's get started. हमारा chapter क्या हमने पढ़ लिया था book में से. हमने नोट्स के भी कुछ पार्ट कर लिए थे, एक्सरसाइजेस भी कर ली थी. अब नोट्स हम आगे बढ़ाते हैं. पार्ट फोर है ये. क्या कहा गया है? फाइंड मास ऑफ CO2 व्हिच इज प्रोड्यूस्ड व्हेन 5.8 ग्राम ऑफ ब्यूटेन C4H10 इज बर्न्ड. सो अगर हम इक्वेशन बनाए तो इक्वेशन बनेगी C4H10 प्लस O2 विल गिव अस CO2 plus H2O. अब मैंने यहाँ 10, 8, 13 ये सब क्यों लगाया? क्योंकि मैंने ये बैलेंस कर दी है. तो बैलेंस करने के बाद आपकी इक्वेशन कुछ ऐसी दिखेगी. नाउ सबसे पहले आपको क्या निकालना है? मास निकालना है. तो हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं. सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास. मास हमें दिया हुआ है 5.8 ग्राम. और अगर हम C4H10 का मोलर मास देखें तो 58 आएगा और हमारे पास मोल आ जाएंगे 0.1 मोल. तो देखिए यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 2 मोल ऑफ C4H10 हमें दे रहे हैं 8 मोल ऑफ CO2. तो 1 मोल ऑफ C4H10 हमें कितने देंगे? 2 में से डिवाइड कर देंगे 8, 4 मोल ऑफ CO2. तो 0.1 मोल ऑफ C4H10 हमें कितने मोल देंगे CO2 के? 4 into 0.1, 0.4 मोल ऑफ CO2 हमें मिलेंगे. ओके, हमने मोल्स निकाल लिए CO2 के. अब नंबर ऑफ मोल्स से मास अपॉन मोलर मास निकाल लेते हैं CO2 का. नंबर ऑफ मोल्स मिले 0.4, मास x है, मोलर मास 44 होता है, x निकाल लेंगे आएगा 17.6 ग्राम. सो आपने आराम से निकाल दिया है. अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है 1CuCO3 कॉपर कार्बोनेट व्हेन हीटेड गिव अस 1CuO एंड 1COT. सो एक कॉपर कार्बोनेट जब हीट किया जाता है, जब बर्न करते हैं, तो वो हमें एक CuO देता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड देता है. तो मास हमें किसका मास निकालना है? हमें मास निकालना है कॉपर कार्बोनेट का जो रिक्वायर है वह 11.2 लीटर ऑफ CO2 बनाने के लिए. तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं. सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम दी हुई है तो वॉल्यूम से निकाल लेते हैं. नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 0.5. अब नंबर ऑफ मोल्स से मास निकाल लेंगे. नंबर ऑफ मोल्स हो गए 0.5 इज इक्वल्स टू x अपॉन 124 एंड इज इक्वल्स टू 0.5 इनटू 124 इज इक्वल्स टू 62 ग्राम. तो आपके पास मास कितना आया? आपके पास मास आ गया है 62 ग्राम. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2CaNO3 कैल्शियम नाइट्रेट. जब कैल्शियम नाइट्रेट हीट किया गया या आप कह सकते हैं बर्न किया गया, तो उसने हमें क्या दिया? 2CaO दिए, 4 NO2 दिया और 1 ऑक्सीजन दिया. सो हमें CaO का मास निकालना है जब 5.6 लीटर ऑफ NO2 प्रोड्यूस हुआ हो. तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं. वॉल्यूम दी हुई है तो वॉल्यूम से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे. 0.25 मोल्स आए आपके. तो नंबर ऑफ मोल्स से हम मास निकाल लेते हैं, क्योंकि आपको मास ही तो निकालना है. नंबर ऑफ मोल्स से मास निकाल लेंगे. 4 मोल है मास निकालेंगे. मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल्स टू x अपॉन 56 बैठेगा आपका. सो 4 मोल ऑफ NO2 गिव अस 2 मोल ऑफ CaO. यहाँ लिखा है ना 4 मोल ऑफ NO2 गिव अस 2 मोल ऑफ CaO. तो 1 मोल ऑफ Na2 गिव अस 2 अपॉन 4 मोल ऑफ CaO. Am I right? तो 0.25 मोल ऑफ Na2 आपको कितने CaO के मोल देगा? आपको देगा वो 2 अपॉन 4 इनटू 0.25 इज इक्वल्स टू 0.125 देगा. अब यहाँ पे हमने यहाँ पे क्यों छोड़ दिया बीच में? क्योंकि हमारे पास तो हमें तो पता ही नहीं था ना नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं CaO के. तो हमने पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाले. अब हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए. नंबर ऑफ मोल्स को नंबर ऑफ मोल्स की जगह अपॉन x अपॉन 56 करके निकाल लेंगे. वेट आएगा 0.125 इनटू 56 ग्राम. इसको सॉल्व आउट आपको करना है, क्योंकि कुछ चीज तो आपको भी करनी पड़ेगी. लेट्स मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है परसेंटेज ऑफ O2 इन H2O. आपको बताना है कि ऑक्सीजन कितना है H2O में. बहुत इजी क्वेश्चन है, आई होप आप कर लेंगे. बट मैं बता देती हूँ कैसे निकालोगे. किसका निकालना? देखिए परसेंटेज ऑफ कंपाउंड, मास ऑफ कंपाउंड. कंपाउंड का मास कितना है? ऑक्सीजन का कितना मास है? मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड, ये आपका कंपाउंड है. H2O क्या है? आपका कंपाउंड है. ऑक्सीजन का मास निकालना है. ऑक्सीजन का मास इसमें H2O में कितना है? 16 है. तो 16 पूरे H2O का मास कितना है? 16 प्लस 2
कितना है 18, सो इन टू 100, तो इस तरह से आप निकाल लेंगे क्या आंसर आएगा वो आपको मुझे बताना है कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, परसेंटेज ऑफ Cl इन NaCl, फॉर्मूला बिल्कुल वही रहेगा, मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड अपॉन कंपाउंड मास इनटू 100, तो Cl का मास कितना है NaCl में 1 ही है तो 35.5 है, और NaCl का टोटल मास कितना होगा 23 प्लस 35.5 होगा, इनटू किससे करोगे 100 से। अब आंसर आपको बताना होगा कमेंट में, मुझे कमेंट चाहिए सबके। लेट्स मूव फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका ये परसेंटेज ऑफ O इन H2SO4, वही क्वेश्चन है पीछे वाला ही है, तो आपको क्या बताना है इसमें भी O का परसेंटेज बताना है H2SO4 में, O का मास कितना है H2SO4 में 16 इनटू 4 है, O का 16 होता है 4 लिखा हुआ है कोफिशिएंट, तो 16 इनटू 4 अपॉन पूरे H2SO4 का मास लिखोगे इनटू 100 से कर दोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है परसेंटेज ऑफ H2O इन MgSO4 एंड H2O, सो तो आपको इसमें क्या निकालना है कि परसेंटेज आपको निकालनी है H2O की, किसमें MgSO4 में, सो अगर हम निकालें एक H2O का मास कितना दिया हुआ है इसमें MgSO4 में, कितना दिया हुआ है, गलत पढ़ा ना हमने क्वेश्चन, यस हमारा क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ H2O इन 7H2O, ये पूरा एक साथ है ओके, ये ध्यान रखना है आपको, आप बहुत गलती करते हो, सो इसमें अगर हम मास देखें H2O का कितना है MgSO4 7H2O में, इतना आएगा 7 into 1 into 2 plus 16 अपॉन पूरे MgSO4 0.7H2O का मास कितना होगा वो नीचे लिख देना, और इंटू किससे करोगे 100 से इंटू कर देना, सो इस तरह से आप इसको भी निकाल सकते हो। तो कभी कभी एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको थोड़े ऐसे क्वेश्चन भी दे सकता है। अब हम बात करेंगे थोड़ा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला में थोड़ा सा, और तो हमने देखा था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, वो सिंपल लिख देते हैं उसको एम्पेरिकल फॉर्मूला में सिंपलेस्ट रेशियो करते हैं। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें हम इथेन का C2H6 होता है, और इस अगर हम एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखे इथेन का तो हम लिखेंगे C1H3, अगर हम एम्पेरिकल फॉर्मूला देखें ग्लूकोज का तो वो क्या होगा C1H2O1, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है C6H12O6, क्योंकि एम्पेरिकल फॉर्मूला में हम शॉर्ट कर देते हैं। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को अगर हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए तो हम क्या करते हैं n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, n की इंटू कर देते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला में, n वो कोई भी हो सकता है, लाइक हमें चाहिए ग्लूकोज का, हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, तो हम क्या करेंगे जो c है उसके इंटू किससे कर देंगे, मतलब इनके सारे नंबर की इंटू 6 से कर देंगे, 6 इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब एक और चीज दी हुई है 6-2H6, ये है आपका 6-2H6, तो आपको इसका मॉलिकुलर वेट निकालना है, तो आप क्या करेंगे 2 into 12 plus 1 into 6 करके इसका मॉलिकुलर वेट निकाल देंगे। अब मैम आपने ये कैसे करा, देखिए मॉलिकुलर वेट क्या होता है, मॉलिकुलर वेट कुछ नहीं होता, मॉलिकुलर वेट में हम क्या करते हैं जो एटम होता है हमारा या जो मॉलिक्यूल होता है उसका एटॉमिक मास लग देते हैं, बस एटॉमिक मास को प्लस कर देते हैं, मॉलिक्यूलर है तो मॉलिक्यूलर वॉट निकलेगा, तो ये जो मॉलिक्यूल है इसका सी का एटॉमिक मास कितना बताया था मैंने 12 इंटू 2 24, एच का कितना था 1 तो 1 इंटू 6 तो इसका इन दोनों को प्लस करेंगे आएगा 30। ऐसे ही एम्पेरिकल वेट कैसे निकालोगे, एम्पेरिकल वेट तो मैंने बहुत अच्छे से निकालना बताया था, अगर भूल जाओगे ना तो बहुत पिटाई लगेगी, एम्पेरिकल वेट मैंने कैसे बताया था C2H6 का आपको एम्पेरिकल वेट निकालना है, तो पहले इसको किस में कन्वर्ट करोगे, पहले इसको एम्पेरिकल फॉर्मूला में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला में कन्वर्ट करके क्या आएगा C1H3, फिर इसका एम्पेरिकल वेट निकालोगे 12 प्लस 1 इंटू 3 15, यही गलती करते हो आप लोग, इसका ध्यान रखना है आप लोगों को। अब देखिए एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे निकल सकता है, n डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, किसी नंबर को डिवाइड कर दो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से, और जो आपका वो है इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकल सकता है n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, और एम्पेरिकल वेट कैसे निकल सकता है n डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके सो आई होप आप सबको यहाँ तक समझ आया होगा एम्पेरिकल वेट और एम्पेरिकल फॉर्मूला के बारे में, नोट्स कॉपी जरूर कर लेना या प्रिंट आउट निकलवा लेना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक कंपाउंड है उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो है 90 और उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है CHO2, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें निकालना है।
निकालते हैं। जैसे कि हम जानते हैं जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है उसके कैसे निकालते हैं, n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला करके हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को निकाल लेते हैं। सो n हमने मान लिया 2, हमारे पास वो दिया हुआ है CHO2 और हमने निकाल दिया C2H2O4, आ गया हमारा एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब मॉलिक्यूलर वेट भी चलो इन्हें निकाल, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू n इंटू एम्पेरिकल वेट। So n is equals to molecular upon equivalent weight is equals to 90/45. Am I right students? आपको निकल गया, आप समझ गए होंगे। So n आपका क्या आया? 2। अब ये n हमने पहले हमने क्यों करा मैम, आपने कैसे बता दिया मुझे समझ नहीं आया। हाँ मुझे पता है आपको समझ नहीं आया। देखिए ये वाला फॉर्मूला करने से पहले आपको ये करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि n तो आप 3 लिख दोगे, 4 लिख दोगे, 6 लिख दोगे, आंसर तो आपका आ जाएगा बट ये गलत होगा। तो n निकालने के लिए सबसे पहले हमें n निकालना पड़ता है कि n नंबर क्या है वो। तो उसे निकालने के लिए मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है, वो किसके इक्वल होता है? n इंटू एम्पेरिकल वेट। सो n यहाँ पे रह जाएगा, मॉलिक्यूलर अपॉन एम्पेरिकल वेट आ जाएगा, दोनों का वेट दिया हुआ है 90/45 करके आराम से निकाल देना। ओके आ जाएगा आपका n क्या आएगा 2, फिर 2 से इंटू कर देना एम्पेरिकल फॉर्मूला की, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल जाएगा। अब एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, अ कंपाउंड हैज मॉलिक्यूलर वेट 9 लीटर। एक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट है 90, एक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट है 90 और उसकी वेपर डेंसिटी है 45। ओके और एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है उसका? CHO2, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। पहले n निकाल लेते हैं, नंबर क्या है वो। सो मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? 2 into VD। अब देखिए अब ये 2 into VD कहाँ से आ गया बच्चों? अब देखिए कभी कभी ये हो जाता है, हमें अगर मॉलिक्यूलर वेट नहीं दिया हुआ था, हमें वेपर डेंसिटी दी हुई होती है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करें क्या करें क्या करें। नहीं, कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है। जैसे मॉलिक्यूलर वेट की इंटू कर देते 2 के साथ, वैसे ही अब 2 into VD कर देना, वेपर डेंसिटी की इंटू कर देना। सो n निकाल लेते हैं सबसे पहले। एन क्या है? ओके अगर आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ था होता था तो आप क्या करते थे बच्चों? आप एन इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला करते थे। अब आपको वैलेंसी वेपर डेंसिटी दी हुई है वीडी, तो आप क्या करेंगे? एन इंटू वीडी करेंगे। ये 2 मैंने यहाँ से एन निकाला है। अब एन कैसे निकाला मैंने? मैंने निकाला एन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पेरिकल वेट रख के, मॉलिक्यूलर वेट था 90, एम्पेरिकल वेट हमारा था 45, उससे हमने निकाल दिया 2। मॉलिक्यूलर वेट हमें 90 गिवन था आपको याद हो तो, और एम्पेरिकल वेट हमने कैसे निकालते हैं वो आपको पता है, इसके कंबाइन करके, तो हमारा आंसर आया 2 आया। अब 2 हमने यहाँ रख दिया 2 into VD। सो n into एम्पेरिकल फॉर्मूला या n into वो कर दो, सो 2 into CHO2 करके हमारा आ गया C2H2O4। एम आई राइट? आपको समझ आ गया होगा। हाँ, जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो रेशियो के एटम्स का होल नंबर होता है। एम आई राइट? आप जानते हो रेशियो के एटम्स का होल नंबर होता है वो। अब एक कंपाउंड है, उसमें कार्बन 40% है, हाइड्रोजन 6.7% है, ऑक्सीजन 53% है और मॉलिक्यूलर मास उसका 60 है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, आराम से निकाल लोगे वैसे तो, बट क्वेश्चन थोड़ा अजीब है तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। सो देखिए एलिमेंट क्या दिया हुआ है आपको? एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन। परसेंटेज क्या दी हुई है इनकी? 40, 67, 53.3। एटॉमिक वेट क्या दिया हुआ है इनका? एटॉमिक वेट क्या होता है इनका? 12, 116। ये क्या है? एटॉमिक परसेंट इनके अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगी? 40/12, 6.7/1 और 53.3/1। तो इससे आपकी इसके एटॉमिक परसेंट आ जाएगी। अब इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लीजिए। सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालेंगे? इनमें सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा इनमें 3.33 है, तो 3 हर को 3.33 से माइनस डिवाइड कर देंगे, तो 3.33 डिवाइड बाय 3.33 1, 6.7 डिवाइड बाय 3.33 2, 3.33 डिवाइड बाय 3.33 1। तो इस तरह से आपने इनको डिवाइड कर दिया। आपको इसमें टेबल्स बनानी होती है, टेबल से भी हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूलास निकाल सकते हैं। अब फिर हमने आगे क्या करा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब n निकाल लीजिए, n आएगा आपका 60/30 रख के 2 आया n, और 2 into C1H2O1। अब आप मैम आपने ये क्या लिख दिया C1H2O1, ये क्या है बच्चों? बहुत सिंपल है, आपको समझना आना चाहिए। देखिए मैंने क्या लिखा यहाँ पे आपको, हमने CHO की हमें परसेंटेज नहीं दी हुई थी, हमें CHO का वो नहीं दिया हुआ था एम्पेरिकल फॉर्मूला भी। पहले हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला बनाया, मतलब C1 है, H2 है और ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन 1 है। तो पहले हमने इनका एम्पेरिकल फॉर्मूला बनाया,
ओके, एम्पेरिकल फॉर्मूला बनाने के बाद हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला बन गया। अब इसकी एम्पेरिकल फॉर्मूला के किससे इंटू करें, पहले एन से वो निकाल दिया हमने कि हमारा वैलेंसी एन क्या होगा, नंबर क्या होगा, टू आया तो टू की इंटू कर दोगे और आपका मॉलिकुलर फॉर्मूला बन जाएगा। सो कभी कभी क्वेश्चन आपके इतने हार्ड भी हो सकते हैं तो उसमें आपको दिमाग लगाना पड़ता है। ओके, अब वॉल्यूम ऑफ गैस, जो गैस की वॉल्यूम होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ मोल से, मतलब जो गैस की वॉल्यूम है वो प्रोपोर्शनल इक्वल होती है नंबर ऑफ मोल्स के। इक्विवेलेंट मास किसके इक्वल होता है, इक्विवेलेंट मास अगर आपको निकालना है तो आप निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास अपॉन एक्स, जो ये एक्स होता है आपका वो होता है वैलेंसी फैक्टर। ओके, ये एक्स आपका वैलेंसी फैक्टर होता है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। हाँ मैम, आपने ये क्या बताया, आपने तो हमें इक्विवेलेंट वेट लिखवाए थे इतने सारे स्टार्टिंग में। हाँ लिखवाए थे जरूर, उसका फॉर्मूला भी बताया था मैम आपने। हाँ बताया था जरूर, क्या बताया था, मास ऑफ आयन या मास ऑफ मास अपॉन चार्ज ऑन आयन, और वो चार्ज हम क्या कहते हैं, उस चार्ज को वैलेंसी फैक्टर भी कह देते हैं। अब हम उस चार्ज को निकालना सीखेंगे कि वो हम चार्ज कैसे निकालें, वहां तो बहुत इजी लग रहा था निकालना, थोड़ा हार्ड भी हो जाता है, तो उस चार्ज को निकालना सीखने के लिए नेक्स्ट वीडियो में फॉलो करना। थैंक यू।